फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी टू डू जोन। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट प्लैनेट्स। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट प्लैनेट्स। तो सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड क्लोजेस्ट टू द सन। अगर सोलर सिस्टम वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें मैंने जो फिगर बनाया था सन के सबसे करीब में कौन सा प्लैनेट था, मरकरी था। यस, तो मरकरी जो है एट प्लैनेट में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सन से सबसे ज्यादा करीब में जो प्लैनेट है वो है मरकरी। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, उसके अपने कोई सैटेलाइट नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये हम लोग जब बात करेंगे सैटेलाइट की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल सैटेलाइट, दैट मीन्स की मून की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मरकरी का अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता, दैट मीन्स मरकरी डोंट हैव एनी मून। नेक्स्ट इज 88 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट मरकरी। मरकरी जो है एक रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन याद है ना, रिवॉल्व लाइक दैट, इस इज सेड टू बी रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मरकरी कितना टाइम लगाता है, इट टेक्स 88 डेज। 88 डेज में वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इज इट टेक्स 59 डेज टू कंप्लीट रोटेशन। रोटेशन की बात हो रही है, मैंने आपको दिखाया था एक मिनट, ये मैंने दिखाया था एंड दिस इज सेड टू बी रोटेशन, राइट। तो इट टेक्स हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट रोटेशन, तो रोटेशन में इट टेक्स 59 डेज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मरकरी। नेक्स्ट प्लैनेट इज वेनस। तो अगला प्लैनेट है, ये जो मैंने जो मैं प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई हूँ, इट इज इन अ सीक्वेंस। सन से कौन किस सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में जान रहे हैं। तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज वेनस। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट वेनस। वेनस के बारे में जानते हैं। वेनस इज ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑफ द अर्थ। वेनस को जो है अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। ट्विन मतलब जानते हैं ना, जुड़वा। तो जुड़वा लोग कैसे होते हैं, जब दो आप जुड़वा बच्चों को देखोगे या जुड़वा लोग को देखोगे कि तो वो एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं, कभी कभी तो पहचाना भी मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ इसी के बारे में बात हो रही है कि वेनस जो है वो अर्थ के जैसा ही है। तो अर्थ के जैसा मतलब क्या है, तो अर्थ के जैसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका जो साइज है इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अर्थ। ठीक है, तो दैट वाई इट इज सेड टू बी ट्विन प्लैनेट। इट इज ऑल्सो सेड टू बी ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे चमकता हुआ जो प्लैनेट नजर आता है वो है वेनस। इट इज ऑल्सो विजिबल इन द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। सबसे जो स्पेशल बात है वेनस की वो ये है कि इसे हम लोग अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो कब देख सकते हैं, तो इट इज विजिबल इन द स्काई, वो स्काई में विजिबल कब होता है, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट से थोड़ा अर्ली। ठीक है, ये विजिबल होता है इन द स्काई, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो अब ये कैसा, जब आपको वेनस नजर आएगा तो आप सोचेंगे कि उसमें कुछ बड़ा सा नजर आएगा, नो, इट विल लुक लाइक अ स्टार। ठीक है, वो आपको स्टार के जैसा ही दिखेगा, दैट व्हाई इट इज सेड टू बी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्लियर है। नेक्स्ट इज अगर इसके हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में जाने, तो इट टेक्स 255 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 255 डेज। तो रिवॉल्यूशन किसमें होती है, ऑन द ऑर्बिट। ठीक है, वो अपने ऑर्बिट में जो है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 255 डेज। एंड इफ यू टॉक अबाउट रोटेशन, तो 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा कि 255 डेज में वो पूरा रिवॉल्यूशन करता है और रोटेशन करने में उसे 243 डेज लगता है, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट अ ईयर। यस, तो ये थोड़ी सी पिक्यूलियर बात है वेनस की कि जितना टाइम उसको रिवॉल्यूशन में लगता है ऑलमोस्ट उतना ही टाइम उसे रोटेशन में भी लगता है। ठीक है, और तो ये क्लियर है कि वो अर्थ का ट्विन साइज में वो अर्थ के ही बराबर है, लेकिन उसका जो स्पीड है रोटेशन का वो काफी स्लो है। ओके, तो इट इज अबाउट वेनस। नेक्स्ट इज अर्थ, अपना अर्थ, अपना पृथ्वी। ओके, दिस इज सेड टू बी द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से जो सोलर सिस्टम में अगर ये इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो ये थर्ड प्लैनेट है। इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो आवर साइज के हिसाब से ये फिफ्थ प्लैनेट हम लोग कह सकते हैं। इट अपीयर्स ग्रीनिश ब्लू ड्यू टू वाटर एंड स्पार्कलिंग व्हाइट पोलर आइस कैप्स। ओके, बहुत सारी चीजें जो हम लोग अर्थ के बारे में जरूर जानते हैं। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि कोई ये नहीं जानता होगा कि अर्थ जो है स्पेस से कैसा नजर आता है, इट लुक्स लाइक अ ग्रीनिश ब्लू कलर। तो ये ग्रीनिश ब्लू क्यों नजर आता है, तो इट इज वेरी क्लियर टू इसके सर्फेस में जो वॉटर है
वो और किसी भी प्लैनेट में नहीं है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स लाइक अ ग्रीनिश ब्लू इन कलर. नॉट ओनली दैट, उस स्पेस से वो स्पार्कलिंग व्हाइट, चमकता हुआ व्हाइट भी दिखता है. तो ये व्हाइट क्यों नजर आता है? ड्यू टू द पोलर आइस कैप, जो बर्फ है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ मून की अगर हम लोग बात करें, जो बर्फ है इसकी वजह से वो स्पार्कलिंग व्हाइट भी नजर आता है. क्लियर है यहाँ? नाउ लेट्स नो अबाउट द रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. आई थिंक ये भी आप लोगों को सबको मालूम होगा अबाउट द, हम लोग न्यू ईयर भी मनाते हैं, ठीक है, और डे एंड नाइट जो हम लोग का होता है, तो उससे हम लोग रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली जानते हैं. तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि इट टेक्स 365 वन बाई फोर डेज टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में 365 वन बाई फोर डेज होता है, ठीक है. ये वन बाई फोर डेज जो है वो क्या है, ये मैं जब आपको पर्टिकुलर अर्थ के बारे में जो वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो आप प्लीज स्टे विद माई वीडियोस, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो 365 डेज दैट मीन्स कि इतना टाइम बीतता है, तो हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, राइट नाउ. एंड 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन. वन रोटेशन कम्प्लीट करने में कितना टाइम लगता है? ओनली 24 आवर्स, ठीक है. यहाँ पर आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं विद द वेनस. जब कहा गया है कि वेनस और अर्थ का साइज लगभग से बराबर है, लेकिन आप देख लीजिए कि अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? 24 आवर्स. वही जो है वेनस कितना टाइम लगाता है? 243 डेज. माई गॉड, कितना स्लो रहा होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लैनेट. नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स, ठीक है. मार्स जिसे हिंदी में मंगल ग्रह भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स अपीयरेंस. दैट मीन्स कि ये स्पेस से क्या कैसा दिखता है? ये रेड कलर का दिखता है. तो रेड कलर क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द रेडिश एंड येलोइश पैचेस ऑन इट्स सर्फेस. क्योंकि इसके सर्फेस में जो मार्स है, मार्स के सर्फेस में जो है येलोइश और रेडिश जो है वो वहां की जो मिट्टी होगी या सॉइल होगा जो भी है वो इस कलर का होता है. दैट्स व्हाई इट अपीयर्स लाइक अ रेड प्लैनेट, ठीक है. एंड इट्स अबाउट इट्स रिवॉल्यूशन. इट टेक्स 687 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? 687 डेज एंड 24.6 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. रोटेशन तो ऑलमोस्ट जो है अर्थ के बराबर है. अर्थ जो है 24 आवर्स लगाता है, और ये 24.6 आवर ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है वो सेम है टू द अर्थ. इट हैज टू सैटेलाइट्स और मून. और मार्स के कितने सैटेलाइट्स है? नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मून की बात कर रहे हैं. तो इट हैज टू मून. मार्स हैज टू मून. द नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर. जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन से वो किस नंबर पे है? तो उसके सीक्वेंस में वो फिफ्थ पोजिशन पे है. एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट प्लैनेट. जितने भी एट प्लैनेट हम लोग जो पढ़ रहे हैं और जो जानते हैं हम लोग की सोलर सिस्टम में एट प्लैनेट होता है, तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है. और सबसे फास्टेस्ट, मतलब सबसे फास्टेस्ट वो रोटेट भी करता है, ठीक है. 1300 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ. तो अगर जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो ये कितना बड़ा है इसका एस्टिमेट हम इस हिसाब से लगा सकते हैं कि अर्थ जितना बड़ा है, अब अर्थ भी जो छोटा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी है अर्थ जितना बड़ा है इससे ये 1300 टाइम्स और बड़ा है. मतलब कि 1300 अर्थ जो है वो जुपिटर में समा सकता है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है. तो इसका हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, एटलीस्ट वो इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा. नाउ लेट्स नो अबाउट द रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन में वो कितना टाइम लगाता है? तो फॉर इन रिवॉल्यूशन अपने ऑर्बिट में वो सन के जो चारों ओर रिवॉल्व करता है उसमें इट टेक्स 11 इयर्स एंड 11 मंथ्स. कितना टाइम लगाता है? 11 इयर्स और 11 मंथ जो है इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन देयर ओन ऑर्बिट. और रोटेशन की बात करें तो अभी मैंने बताया इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट. फास्ट प्लैनेट का मतलब कि वो बहुत स्पीड में घूमता है. तो इट टेक्स 9 आवर 56 मिनट्स. माई गॉड, आप कंपेयर करके देख लीजिए, हमारा अर्थ जो है अर्थ का 1300 टाइम्स ये बड़ा है. आवर अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और ये जो है इतना बड़ा होने के बावजूद जो है इट टेक्स ओनली 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स जो है वो रोटेशन कंप्लीट कर देता है. तो वी कैन से दैट यस इट इज इट मस्ट बी वेरी फास्ट. ये बहुत फास्ट जरूर होगा. इट हैज 16 सैटेलाइट्स और मून. और इसके अपने कितने सैटेलाइट्स है? 16 नेचुरल सैटेलाइट्स है, मतलब कि मून है, ठीक है. नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न. सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. वो किस पोजीशन पे है? सिक्स पोजीशन पे है. एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. फर्स्ट लार्जेस्ट तो हो गया, सबसे बड़ा प्लैनेट क्या हो गया? जुपिटर हो गया. तो सेकेंड बड़ा प्लैनेट कौन है? वो है सैटर्न.
इट इज 9 टाइम्स एज लार्ज एज द अर्थ। जो यहाँ मैंने बात की कि जुपिटर जो है वो अर्थ से कितना, अर्थ से ही कंपेयर करें क्योंकि अर्थ तो हमारा है, तो वी नो ऑल अबाउट अर्थ, तो अर्थ के बारे में हम लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम लोग को कंपेयर करना होता जिस चीज को हम लोग अच्छे से जानते हैं उससे कंपेयर करने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, दैट व्हाट इज कंपेयर टू अर्थ। तो यहाँ बात हो रही थी जुपिटर जो है वो 1300 टाइम्स जो है वो बड़ा है, सैटर्न भी बड़ा है अर्थ से लेकिन उतना बड़ा नहीं है, कितना बड़ा वो देख लीजिए, इट इज 9 टाइम्स एज लार्ज एज द अर्थ। अर्थ जितना बड़ा है उससे 9 टाइम्स, 9 गुना और बड़ा है, ठीक है। इट लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ द रिंग ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस। अगर आप जितने आप जब पिक्चर भी देखते होंगे ना, जब बुक्स में या कहीं पर भी आप देखते होंगे अबाउट द सोलर सिस्टम, तो आप हमेशा देखते होंगे कि सैटर्न का जो पिक बना हुआ रहता होगा, फोटो बना हुआ रहता होगा, उसकी साइड में ये ऐसे लगा रहता होगा। एक्चुअली व्हाट इज दिस, दिस इज सेड टू बी काइंड ऑफ अ रिंग, वो उसके चारों ओर एक रिंग बना हुआ है। तो ये रिंग किस चीज का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ डस्ट रॉक एंड आइस, डस्ट रॉक और आइस का जो है उसके साइड में रिंग बना हुआ है, विच लुक ब्यूटिफुल, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। नाउ रोटेशन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन इट टेक्स 29 years 5 months। ऑब्वियसली इसके ऑर्बिट जो होंगे बड़े होंगे, ऑर्बिट समझिए ना, रास्ता जो होगा वो बड़ा होगा, सब सन के राउंड कहते हैं। अब डेफिनेटली ये तो बहुत नेचुरल है कि जब जो छोटा रास्ता अगर तय करना हो तो इट टेक्स लेस टाइम, और बड़ा रास्ता हो तो इट टेक्स मोर टाइम। तो यहाँ जो सैटर्न है वो जितने सन से दूर जाते जा रहा है उसका ऑर्बिट तो और बड़ा होता जा रहा होगा, ठीक है। तो इट टेक्स 29 years 5 months टू कम्प्लीट अ रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कम्प्लीट करने में वो कितना टाइम लगाता है, 29 years, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। रोटेशन, तो रोटेशन ये भी काफी फास्ट जो है वो रोटेट करता है, इट टेक्स ओनली 10 hours 40 minutes टू रोटेट, टू कम्प्लीट अ रोटेशन। अपने एक्सिस में जो है वो कितने टाइम में, कितने समय के अंदर वो जो है वो रोटेट कर जाता है, 10 hours 40 minutes में वो रोटेट कर जाता है। और अगर उसके सैटेलाइट्स की बात करें, मून की बात करें, तो इट हैज 30 सैटेलाइट्स, इसके 30 मून्स है जो इसके जो सैटर्न के जो है आजू बाजू रिवॉल्व करते होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन, यूरेनस। यूरेनस इज द 7th planet फ्रॉम द सन, सन से जो है वो 7th one है, दैट मींस की 2nd last प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, 3rd largest प्लैनेट। अगर साइज की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट की हम लोग बात करें तो सबके साइज काफी बड़े हैं। पहले हम लोग जुपिटर के बारे में पढ़ा तो वो तो जानेंगे कि इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, 2nd largest हो गया सैटर्न हो गया, 3rd one हो गया, थर्ड वन हो गया यूरेनस। तो यूरेनस जो है इट इज द 3rd largest planet, 3rd largest planet जो है वो क्या हो गया, यूरेनस हो गया। इसके रिवोल्यूशन की बात करें तो अपने ऑर्बिट में वो कितने टाइम में जो है वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो 84 years वो कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाता है, ठीक है। ओके, रोटेशन थोड़ा सा जरूर अजीब लग रहा होगा क्योंकि कहां हमारा अर्थ जो है वो 365 days में जो है वो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है, और ये 84 years, माय गॉड, ठीक है। और रोटेशन की बात करें तो डेट मीन्स कि ये सब बड़े प्लैनेट्स जरूर है लेकिन इट रोटेट्स वेरी फास्ट। तो रोटेशन में इट टेक्स 17 hours 14 minutes टू कंप्लीट अ रोटेशन इन देयर ओन एक्सिस, ओके। एंड इट हैज 17 satellites और मून, और इसके अपने कितने सैटेलाइट्स है या मून कह सकते हैं वो है 7G, ओके। नाउ कम टू द लास्ट प्लैनेट, द लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th and farthest प्लैनेट, ऑफकोर्स उसका पोजिशन 8th number पे है और वो सोलर सिस्टम में सबसे एंड में है और सन से सबसे ज्यादा दूर प्लैनेट में प्लैनेट है, तो वो कौन है, वो है नेपच्यून। इट अपीयर्स ब्लू, अब ये दिखता कैसा है, ये ब्लू दिखता है। तो आप सोच रहे होंगे अच्छा अर्थ भी तो ब्लू ही दिखता है, तो डेट मीन्स कि अर्थ के सरफेस में वाटर है इसलिए वो ब्लू दिखता है, तो क्या नेपच्यून के सरफेस में भी वाटर है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट, कि उसके सरफेस में कोई वाटर नहीं है, वहां कोई वाटर का प्रेजेंस नहीं है। इट लुक्स ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, वो जो है वहां मीथेन गैस जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका कलर जो है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवॉल्यूशन, तो इट कंप्लीट्स इस रिवॉल्यूशन देयर ओन ऑर्बिट इन 165 years, लॉन्गेस्ट ऑर्बिट, और ऑब्वियसली वो सबसे सन से सबसे ज्यादा दूरी में है तो उसकी ऑर्बिट और ज्यादा दूरी बहुत ज्यादा लंबी होगी, तो ये कितना टाइम लगाता है, 165 years, ओके। रोटेशन की बात करें तो इट टेक्स ओनली 16 hours 7 minutes टू कंप्लीट वन रोटेशन। नाउ इसके अपने कितने मून है, नेप्च्यून हैड 8 सैटेलाइट्स और मून, उसके अपने 8 सैटेलाइट्स और मून है। इट हैज नो एयर, नेप्च्यून
जो प्लेनेट है वहां बिल्कुल भी एयर नहीं है एंड इट इज वेरी कोल्ड. ऑब्वियसली कोल्ड तो होगा ही क्योंकि वो सन के कितनी दूरी पर है, तो कोई इफेक्ट नहीं है वहां. तो ये सबसे मिस बहुत ठंडा है. तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारे 8 प्लैनेट्स और उसके जितने फैक्ट्स थे और फीचर्स थे वो सब हम लोग ने पढ़ लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, यूनिवर्स की. तो ओके देन, गुड बाय एंड गिव